हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल टेक बास्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों कि अगर आप यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है वो आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि चैनल बनाने के बाद में गूगल क्रोम पर जा कर के कई सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, तब हमारा चैनल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है दोस्तों। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने वो सिर्फ यूट्यूब पेज पर जाकर वहीं से चैनल को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि गूगल क्रोम पर जा कर के भी सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। तो वो कौन सी सेटिंग्स हैं जो करनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं और आपको बताते हैं कि गूगल क्रोम पर कौन कौन सी सेटिंग ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपके चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर अब वो सेटिंग आपने नहीं की तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा, आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे, ऑडियो रिटेंशन नहीं आएगा, ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उन सेटिंग्स से करने के बाद आपके चैनल पर आने लगेगा दोस्तों। दोस्तों वो सेटिंग्स होती हैं, करीबन 10 सेटिंग्स करनी पड़ती हैं दोस्तों। 10 सेटिंग्स कौन कौन सी हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोगों को पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और मेरे साथ लगातार चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। ये आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि मैंने अपना जो चैनल है वो गूगल क्रोम पर खोल लिया है दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल बनाना जानते हैं लेकिन उसके बाद जो सेटिंग करनी होती वो नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। चैनल बनाने के बाद हमें क्रोम पर जा कर के क्या क्या काम करना होता है अपने चैनल पर, सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए दोस्तों। दोस्तों ये भी मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लें, आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि हम जैसे गूगल क्रोम पर खोलेंगे तो सबसे पहले ये तीन बिंदु जो बन के आ रहे हैं इस पे जाएंगे और डेस्कटॉप मोड पर इसको लगा देंगे दोस्तों। जैसे इस पर लगाएंगे दोस्तों, लगाने के बाद दोस्तों हम अपने प्रोफाइल आइकन को क्लिक करेंगे। प्रोफाइल आइकन को क्लिक करने के बाद योर चैनल पर जाएंगे। योर चैनल पर जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक ये नया चैनल है, इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए गए हैं क्योंकि ये नया चैनल बनाया गया है दोस्तों। जैसा कि कल मैंने वीडियो पे बताया था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करना है, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने लगा दिया है, तो जाकर के ज़रूर देख ले टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हम कस्टमाइज चैनल पर जाएंगे। कस्टमाइज चैनल करने के बाद दोस्तों YT स्टूडियो हमें डायरेक्ट ले जाएगा studio.com पर। दोस्तों ये जैसे ही हमें यहाँ पर ले जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू हो गया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको जूम करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपको चैनल बनाना नहीं आता है तो आपको मेरे चैनल से एक वीडियो मैंने यहाँ पे आई बटन एंड पेज पर एंड स्क्रीन पर लगा दिया है वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो स्टेप बाय स्टेप कि हमें कौन सी सेटिंग इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या क्या करनी होती है चैनल के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेयर नज़र आएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जनरल पर USD USA डॉलर लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे चैनल पर आएंगे। चैनल पर आने के बाद दोस्तों बेसिक इन्फो आ रहा है, तो यहाँ पे रेसिडेंस कंट्री आ रहा है, तो इस पर हम जाएंगे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी जो भी कंट्री है आप उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों, ये रहा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है
कीवर्ड का। तो दोस्तों हमारा चैनल जो सर्च पे आता है तो इसी सेटिंग की वजह से आता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे चैनल का कीवर्ड डालना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है बक्कू, तो बक्कू लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, जैसा कि दोस्तों कि ऑडियंस हमारी किस तरीके से हमारे चैनल को सर्च कर सकती है, वैसे ही अपने दिमाग से यहाँ पे कुछ कीवर्ड बना लेने हैं, स्मॉल लेटर पे, कैपिटल लेटर पे, जिस तरीके से आप बनाना चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने डेमो के लिए 3 कीवर्ड यहाँ पे बना दिए हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सेव कर देना है दोस्तों। जैसे हम सेव करेंगे दोस्तों, ये पहला पॉइंट, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जो हमारे चैनल को शुरुआत होती है, जिससे हमारा चैनल सर्च इंजन पे आता है दोस्तों। उसके बाद फिर से हम सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे चैनल पे, और चैनल पे जाने के बाद एडवांस सेटिंग, जो दूसरा ऑप्शन है एडवांस सेटिंग, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उस पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम किस तरीके के वीडियो बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं, बड़ों के लिए बनाते हैं, कि ये सारा यहाँ पे सेटिंग कर। अगर हम बड़ों के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे नो सेट दिस नॉट मेड फॉर किड, इस पे बीच वाले पे क्लिक कर देंगे कि हमारे बच्चे भी देख सकते हैं, हमारा ऐसा कंटेंट में कुछ भी नहीं होता है जो बच्चे ना देखें। तो हम बीच वाले पे क्लिक करेंगे कि हमारा जो वीडियो होगा वो बच्चे भी देखेंगे, बूढ़े भी देखेंगे, नौजवान भी देखेंगे। तो दोस्तों इसको भी सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं दोस्तों, सेव हो गया है। फिर से सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग के जाने के बाद चैनल पे जाएंगे, चैनल के जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फीचर एलिजिबिलिटी, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 3 एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के चैनल के लिए दोस्तों। ये दोस्तों पहला एलिजिबिलिटी आपका कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे एनेबल है दोस्तों। इसमें दोस्तों दूसरा है इंटरमीडिएट फीचर्स, दोस्तों इस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई फ़ोन नंबर मांग रहा है। यहाँ से अगर आप वेरीफाई फ़ोन नंबर करते हैं तो आपको यहाँ से इसका फीचर्स मिलता है कि आप YouTube पर 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये YouTube खुद बता रहा है कि अगर आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, थंबनेल नहीं लगा पाएंगे, अच्छे अच्छे थंबनेल जो लगे होते हैं वीडियोस पर वो नहीं लगा पाएंगे, और वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो इस नंबर को हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने वेरीफाई मोबाइल नंबर पर किया, तो दोस्तों यहाँ से हमारा एक पेज खुलेगा मोबाइल वेरीफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना दोस्तों। जैसे ही हमने मोबाइल नंबर अपना डालेंगे तो हमें एक कोड दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, कोड पर ओके कर दिया है दोस्तों। जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आपका चैनल इस नंबर से बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पे डाल के बना लेना है, क्योंकि एक नंबर मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 चैनल ही आप बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मेरा चैनल बना हुआ है पहले से, ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा था। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको गेट कोड करेंगे तो आपको OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद दोस्तों ये यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके से वेरीफाई करना है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लोग बोल रहे हैं, जो भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी तरीके की सेटिंग्स आपके चैनल पर नहीं है। इस सेटिंग्स को ज़रूर कर लें अपने चैनल पर। तो दोस्तों इसके बाद हम जैसे ही जाएंगे सेटिंग पर दोबारा जाएंगे, उसके बाद हमें तीसरी एलिजिबिलिटी भी ऑन करनी है यहाँ से। तो दोस्तों चैनल पे जाएंगे, फीचर एलिजिबिलिटी पे जाएंगे। दोस्तों दूसरी सेटिंग मैंने बता दी एलिजिबिलिटी की, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद तीसरी पे जाएंगे, तीसरी पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से बोल रहा है कि आप वीडियो वेरीफिकेशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो वेरीफिकेशन करने के लिए यहाँ पे एक्सिस फीचर्स पे जाएंगे। एक्सिस फीचर पे जाने के बाद दोस्तों आपको मेल आएगा आपके मेल पर। मेल पर जाने के बाद वहाँ से आपको फेस वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी दुकान से सिम खरीदते हैं तो आपको फेस वेरीफाई कराना पड़ता है, उसी तरीके से इसको वेरीफाई कराने के लिए आपको फेस वेरीफिकेशन कराना पड़ेगा। ये सारा इसलिए कराना पड़ेगा जिससे आप अपील कंटेंट आईडी क्लेम
क्लेम आईडी पे आता है तो आप अपील कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम डेली कर सकते हैं, अपलोड वीडियो कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं। जब तक आप ये फीचर नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आप ये सारे काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मोनेटाइजेशन से पहले आपको ये सारे सेटिंग कंप्लीट करनी होंगी दोस्तों। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट पे जाना है, यहाँ से एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग से जाने के बाद दोस्तों बाकी सब ठीक है। कैटेगरी आपको चुन लेना है जिस कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं इसको ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं इसको पीपल एंड ब्लॉग बना डाल दूँगा। अगर मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ तो कॉमेडी, एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ तो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट करता हूँ तो एंटरटेनमेंट। तो इससे आप जिस भी कैटेगरी के चैनल बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे डाल देना दोस्तों। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज, आपका वीडियो किस लैंग्वेज में होता है तो उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप हिंदी से बनाते हैं या इंग्लिश से बनाते हैं या जापानी से बनाते हैं, जिस भी भाषा में आप बनाते हैं उस भाषा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे जाके सेव कर देना है दोस्तों। उसके बाद परमिशन पे जाना है। परमिशन पे जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनर का सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, बाकी सब ओके है दोस्तों। बस आपको वही सेटिंग्स करनी है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आपको चैनल और अपलोड डिफ़ॉल्ट बस ये दोनों पे जा कर के सेटिंग करनी है, बाकी यूट्यूब पहले से सेटिंग करके देता है आपको। तो दोस्तों आप लोग आशा करते हैं कि इन सेटिंग्स को ज़रूर आप लोग कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि फीचर एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दोस्तों। इन एलिजिबिलिटी को ज़रूर ऑन कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके चैनल के लिए, क्योंकि इसी से आपका चैनल ग्रो करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, थंबनेल लगा पाएंगे, वीडियो अपलोड कर पाएंगे, चैनल को मोनेटाइज करा पाएंगे। जब तक ये एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होगी तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। कॉपी क्लेम आता है तो आप अपील भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन सेटिंग्स को ज़रूर कर लें दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम थी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो कर पाने की, वो सारी दिक्कतें यहाँ से ख़त्म हो गई होंगी, क्योंकि आप लोगों ने अगर ये सारी सेटिंग आपके चैनल पर कर ली हैं तो आप लाइव स्ट्रीम आराम से कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप थंबनेल भी लगा पाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो भी बना पाएंगे दोस्तों। आपको सारे फीचर्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे जब आप ये तीनों एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तीनों एलिजिबिलिटीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को यहाँ तक अगर देखा है तो ये सारी सेटिंग्स आप जा कर के अपने चैनल पर कंप्लीट कर लें, ताकि आपका चैनल पूरी तरीके से ओके हो जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरा समझाया हुआ आप समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।